आज हम पथरी के उपचार के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, पथरी तो आजकल सभी लोगों को हो रही है, किसी को छोटी हो रही है, किसी को बड़ी हो रही है। पथरी से सभी लोग परेशान हैं। किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो दवाइयाँ खाते तरह तरह की। फिर फ्रेंड्स, कई तरह की दवाइयाँ भी चल रही है आजकल, किसी की निकल जाती किसी की नहीं निकलती। लोगों को पथरी हो जाती है, छोटी पथरी होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देते, वो छोड़ देते कि चलो छोटी है। फिर धीरे धीरे करके वो बड़ी होने लगती है और फिर ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, आजकल होम्योपैथी में इतनी दवाइयाँ आ चुकी हैं कि जिनके 2-3 महीने सेवन करने से हम पथरी बड़ी से बड़ी तोड़ कर निकाल सकते हैं, ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। और कई चीज़ें हमारे घर में ही ऐसी उपलब्ध है जिनके सेवन से हम 2-3 महीने अगर लगातार सेवन करें तो हमारी पथरी बड़ी से बड़ी वो भी टूट कर निकल जाती है। हमारे खाने पीने में अगर बदलाव करें और सही अपना खाना पीना रखें तो 100% आप पथरी को निकाल सकते हैं। खाने पीने में क्या बदलाव करना है, एक तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, सुबह उठते ही आपको पानी पीना है। अगर हो सके फ्रेंड्स, आप सुबह को उठकर 2-3 गिलास पानी में आधा नींबू डाल सकते हैं, क्योंकि नींबू जो है उसमें साइट्रिक एसिड होता है। और फ्रेंड्स, साइट्रिक एसिड क्या है, पथरी को तोड़ने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अगर आपको नींबू कहीं ना कहीं नुकसान करता है, दर्द करता है या फिर किसी और चीज़ में परेशानी करता है, तो आप सादा पानी ले सकते हैं। 2-3 गिलास आप पानी ज़रूर पिए, क्योंकि सुबह के टाइम फ्रेंड्स पानी पीने से जो यूरिन आता है हमारा प्रेशर से, तो उसमें पथरी निकलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। फिर आपको दिन में भी पानी, जब भी आप खाना पीना ना कर रहे हों और खाना पीना कर चुके हों, उसके 1 या 1.5 घंटे बाद आपको फिर से 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है। फिर उसके 1 या 1.5 घंटे बाद आपको 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है। आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है अगर आपको पथरी है। फिर आपको क्या करना है, चाय कॉफ़ी बहुत कम करनी है। चाय कॉफ़ी से भी फ्रेंड्स हमें पथरी बनने लगती है, क्योंकि हम जो खाते पीते हैं वो जल्दी से नहीं पचता है और उसके ऊपर से हम चाय पी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं चाय और कॉफ़ी हमारे खाने पीने को पचाने में अवरुद्ध होती है। तो इसलिए आपको चाय कॉफ़ी का कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर दिन में आप 2-3 कप चाय पीते हैं तो 2 या 3 कप भी, उससे भी कम कर दीजिए फ्रेंड्स। 2 या 3 कप तो बहुत, 2 या 3 कप तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चाय हो जाती है। अगर रात में आप ड्यूटी आदि पे जाते हैं या रात पे आपको जागना पड़ता है तो आप 1 या 2 कप लीजिए फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपको नींद पूरी करनी ज़रूरी है। अगर आप हो सके तो रात में ही अपनी नींद पूरी करिए। जो लोग रात में नींद पूरी नहीं कर पाते, दिन में सोते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा खाना सड़ने लगता है, और सड़ने की वजह से जो सड़ा हुआ खाना होता है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता, वो कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। अगर वो किडनी में जमा होता है तो उसकी वजह से पथरी बनने लगती है। तो आपको ये करना चाहिए कि जब भी आप खाना खाएं, आपको एकदम से सोना नहीं है। आप उसके आधे घंटे या 1 घंटे आप या तो वॉकिंग कर लीजिए या फिर खाने को पचाने में जैसे फ्रेंड्स थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। अगर दोपहर को खाना खाया तो थोड़ी देर बाई करवट लेट जाइए। तो ऐसे 2-3 काम है फ्रेंड्स, अगर जैसे वॉकिंग करना हो गया या फिर अजवाइन का पानी ले लिया थोड़ा, वो खाने को जल्दी हजम करता है। सुबह को आप खाना खाने के बाद एकदम ना सोइए, उसके 1 घंटे बाद ही आप थोड़ा काम आदि कर लीजिए। फिर अगर आपको सोना है तो आप थोड़ी बहुत ही नींद ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं सोना है तो मैक्सिमम नींद आप अपनी रात को ही पूरी करिए। खाने के बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है, इससे भी पथरी बनती है। कभी भी सुबह को, दोपहर को या रात को खाने के बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद आप लस्सी का यूज कर सकते हैं। रात के खाने के बाद आपको लस्सी और दही बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम चाय का इस्तेमाल करिए, जितनी आप चाय पीते हैं उसकी आधी ही लीजिए, क्योंकि चाय भी खाना पचाने में गड़बड़ करती है। तो और अगर आप सुबह को चाय पीने की आदत है तो अपनी चाय पीने की आदत छोड़ दीजिए। सुबह को आप सिर्फ पानी पीजिए, 2 या 3 गिलास आपको सिर्फ पानी पीना है, जिससे आपकी पथरी जो है घुलने लगेगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि खाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतर रखिए। जैसे सुबह का खाना खाया तो उसके 6 घंटे बाद आप दोपहर का खाइए, उसके 6 घंटे बाद आप रात का खाइए। बीच में अगर आप ऐसे ही अड़गम सड़गम या कुछ भी हैवी खाते हैं तो उससे भी खाना पचता नहीं है या फिर सड़ने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और इतनी कैपेसिटी हमारी बॉडी की नहीं होती कि वो इतना सारा खाना पचा सके। आइए बात करते हैं हम इसकी औषधि के बारे में। फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको ये पत्ते मैं दिखा देती हूँ। इस तरह के पत्ते होते हैं फ्रेंड्स, इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं। ये छोटे पत्ते हैं,
और ये इधर से जो है कटे हुए रहते हैं, ये देखिए ये इधर से थोड़े कटे हुए रहेंगे, ये इसका ये छोटे पत्ते हैं, इसका पत्ता बड़ा भी हो जाता है। देखिए हम उधर दिखाते हैं, ये इसका बड़ा पत्ता है, देखिए इसका बड़ा पत्ता है ये, और ये इधर से कटे हुए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स पत्थर चट्टा अगर आप अपने घर में लगाते हैं, कहीं से भी आप ले आइए, अगर उसके पत्ते आप ज़मीन में डाल देंगे तो वो फ्रेंड्स उसके पत्ते से ही उसका पौधा निकाल आता है। अगर बड़े पत्ते हैं तो आप एक पत्ता सुबह शाम ले सकते हैं खाली पेट, अगर हैं छोटे पत्ते तो आप दो या तीन पत्ते ले लीजिए, खाली पेट सुबह को लेने हैं, खाली पेट शाम को लेने हैं, और चबा चबा कर खा लीजिए फ्रेंड्स। उसमें वो कड़वा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा खट्टा रहता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए आप उसको अच्छे से चबा चबा कर खाइए तो वो आपको फ़ायदा करेगा। ये दवाई है फ्रेंड्स, इसका नाम है वल्गैरिस बर्बरिस। अगर आपके घर में पत्ते नहीं हैं, ये तब यूज करनी है फ्रेंड्स। मैं दोबारा बता दूँ, अगर आपके घर में पत्थर चट्टा के पत्ते नहीं हैं तब आपको ये दवाई लेनी है। ये दवाई किसी भी होम्योपैथी की शॉप से मिल जाएगी। तो क्या करना है, 3 से 4 बार लेनी है दिन में, आप 3 बार भी ले सकते हैं या 4 बार भी ले सकते हैं। इसको बिल्कुल 1/4 कप में 15 से 20 बूंद डालनी है, 1/4 कप में फ्रेंड्स, मैं दोबारा बता देती हूँ, 15 से 20 बूंद डालनी है, और खाली पेट ही लेनी है। जैसे सुबह के खाने से पहले ले ले आधा घंटे पहले, दोपहर के खाने से भी आधा घंटे पहले ले ले, और रात के खाने के भी आधा घंटे पहले ले ले। तो फ्रेंड्स एक बार और बताना चाहती हूँ कि 1/4 कप में 15 से 20 बूंद डालनी है, 15 बूंद भी डाल सकते हैं या 20 बूंद भी डाल सकते हैं। ये शीशी आपको 2-3 महीने लगातार यूज करनी है, उसके बीच में तोड़नी नहीं है, 2-3 महीने लगातार आपको इस्तेमाल करनी है। या आप पत्थर चट्टा का यूज करते हैं, आपके घर में इतने पौधे हैं कि 2-3 महीने लगातार खा, या 2 महीने लगा लीजिए आप लगातार खाते हैं, तो आपको परमानेंटली ज़रूर आराम मिल जाएगा। अगर आप चाय कॉफ़ी का कम से कम सेवन करते हैं, शराब आदि भी आपको नहीं पीना है, और अपने खाना ऐसा खाना है जो जल्दी से पच जाए, चबा चबा कर खाना है, खाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है, और उसके बाद जो गैप होता है खाने के, जैसे दोपहर का खाना खाया और रात का खाने के बीच 6 घंटे का गैप में, उसमें भरपूर पानी पीना है आपको, गुनगुना पानी पीना है, अब आपकी पथरी आराम से फूट फूट कर निकल जाएगी, और आपको ये अच्छे से आराम देगा, क्योंकि पत्थर चट्टा जो है वो 100% आराम देता है अगर आपका खाना पीना सही है। तो ठीक है, आज पत्थरी के बारे में इतना ही, उम्मीद है आपको ज़रूर आराम मिलेगा। ओके बाय।